सभी का बहुत बहुत स्वागत वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ ओजांग आई एस माई सेल्फ डॉक्टर कुमार नलीन फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एजुकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो गिवेन माई सर्विसेस टू दिस यूनिवर्सिटी आई एम मेंटरिंग द आई एस एस्पिरंस सिंस लास्ट टू डिकेट्स Teaching is not only my profession, but its passion. Apart from the teaching, I have written so many books on history, especially on world history and Indian history, published by eminent publishers like Maegra Hill, Arihant, etc. In this time, a series of lectures on modern Indian history is going on. Today, I am going to discuss a very important topic, and that topic is socio-religious reform movement. Socio-religious reform movement. This movement was very important for modern Indian history. That is socio-religious reform movement. This movement is also known as कल्चरल अवेकनी दिस मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज कल्चरल अवेकनी दिस मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन रेनेसा ओजांक आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित व्याख्यानों की इस श्रृंखला में आज का मेरा यह व्याख्यान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित होगा और यह टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम दो और नामों से जानते हैं और वो नाम है सांस्कृतिक जागरण कल्चरल अवेकनिंग एंड इंडियन रेनेसा भारतीय पुनर्जागरण वस्तुतः जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है उसमें समाज और धर्म हमारी संस्कृति का अंग है तो जब समाज और धर्म संस्कृति का अंग है तो विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि यह सांस्कृतिक जागरण यह पूरे भारतीय समाज का जागरण है इसलिए कल्चरल अवेकनिंग भी कहा गया वेस्टर्न स्कॉलर ने कहा कि इसी प्रकार का एक आंदोलन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ था जहां उसे रेनेसा के नाम से जाना गया इसलिए भारतीय जो यह आंदोलन है इस प्रकार का जो भारतीय आंदोलन है वह होगा इंडियन रेनेसा भारतीय पुनर्जागरण इस टॉपिक को आरंभ करने से पहले कुछ विशेष बातों की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा एक देखिए यहां पर एडवांस कोर्स है मेंटरशिप प्रोग्राम का यह ओजान सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है और नाम मात्र के फीस में ट्वेंटी सेशंस आपको मिल रहे हैं एक मंथ में तो ये प्रोग्राम आज के दौर में जहां मेंटरशिप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता जा रहा है लाइफ में हमारे जीवन में जो तनाव है हमारे जीवन में जो ए, किसी प्रकार का जो ए, क्या कहते हैं उतार चढ़ाव हो रहे हैं डिप्रेशन है फ्रस्ट्रेशन है उससे दूर होने का एक बहुत ही अच्छा सा एक प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर सकते एनसीआरटी है कंप्लीट एनसीआरटी का ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं है और जो बेसिक्स जिनका नहीं है जिनका फंडामेंटल कमजोर है उनके लिए ये बहुत अच्छा है और जो बच्चे बिगनर्स हैं जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि यह वंडरफुल ऑफर है और नाम मात्र की इसमें फीस है। बैच ये कॉन्सेप्टर बैच है और ये जो कॉन्सेप्टर बैच है ये 22 जून से शुरू होने वाला है ये काफी अच्छा बैच है इस बैच को वैसे बच्चे ज्वाइन करें जो मैच्योर्ड है जिनको पास बेसिक नॉलेज है फंडामेंटल नॉलेज है वे इससे अपना आरंभ कर सकते ये सारे कार्यक्रम ओजान सर के मार्गदर्शन में चलाए जाएंगे तो यह जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का महत्व तो क्या है वस्तुतः 18वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ साथ भारत में एक नए प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था एक नए प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था एक आर्थिक संरचना आरंभ हो गई और इसी के साथ पूरी भारतीय व्यवस्था में अंतर आना अंतर आने लगा और जो भारतीय कभी विश्व कभी विश्व के समाज को या आप कह सकते हैं कि जो भारत कभी विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा था वही भारत 18वीं शताब्दी में एक विजेता राष्ट्र से एक विजित राष्ट्र बन गया तो विजेता से विजित आखिर क्यों हुआ इस पर भारत के बुद्धिजीवियों ने थिंकिंग करना शुरू कर दिया चिंतन करना शुरू कर दिया और इसी चिंतन का परिणाम था कि उन्नीसवी शताब्दी में एक आंदोलन चला जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसका आरंभ उन्नीसवी शताब्दी के आरंभ में हुआ और यह बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक चलता रहा वस्तुतः भारत पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के विरुद्ध दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और दूसरा डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन रचनात्मक प्रतिक्रिया और विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रचनात्मक प्रतिक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जबकि अठारह का विद्रोह विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वस्तुतः सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन And the revolt of 1850. So it starts with socio-religious reform movement. It's also known as cultural awakening and Indian Renaissance. First of all, I am going to discuss the nature of the socio-religious reform movement. Nature. Or इसके स्वरूप के आधार पर हम इस आंदोलन को दो भागों में बांट सकते जस्ट राइट डाउन दिस फैक्ट सामाजिक धार्मिक आंदोलन को स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और दूसरा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का नाम है का मतलब है सुधारवादी आंदोलन पुनरुत्थानवादी आंदोलन भारतीय समाज का जो एक वर्ग था उसे ऐसा प्रतीत होता था कि जो समाज है इसमें सुधार की आवश्यकता है विशेष रूप से पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के आलोक में यह इस समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है इसलिए यह समूह रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहलाया और इसके अंतर्गत जो आंदोलन चलाए गए वे आंदोलन है वो उनके संगठन के नाम है ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज अलीगढ़ आंदोलन ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज अलीगढ़ आंदोलन और दूसरा ग्रुप था पुनरुत्थानवादी आंदोलन का उदाहरण के लिए आर्य समाज रामकृष्ण मिशन एंड देवबंद आंदोलन ये दोनों समाज में सुधार कर रहे थे ये पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के आलोक में कर रहे थे और ये अपनी ही संस्कृति के सकारात्मक पक्ष को अपना सकारात्मक पक्ष को आधार बनाकर इस समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे इससे पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है अब इसके बाद एक बात समझो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जब वो किसी टॉपिक पर लिखते हैं तो वैसे ही वो इंस्पायर्ड होते उनकी पृष्ठभूमि कहां है यूरोप की भारत का इतिहास किसने लिखा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने उसके स्कॉलर्स ने तो उन्होंने यूरोपीय इतिहास के मापदंड के अनुरूप भारतीय इतिहास का नामकरण किया अब भारत में जब उसी प्रकार का एक आंदोलन चला तो इसको कहा गया इंडियन रेनेसा इंडियन रेनेसा वेस्टर्न रेनेसा से कितना मेल खाता है ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसकी तुलना करके उसने यूरोपीय छात्रों को यह बताने का प्रयास किया कि जो रेनेसा यूरोप में आया था उसी का इंडियनाइजेशन हुआ था नाइनटीन सेंचुरी में जो यूरोपियन रेनेसा था वो आया था फिफ्टीन सेंचुरी और भारतीय रेनेसाए थे 19 सेंचुरी में दोनों में 400 वर्ष का अंतर है जैसे यूरोप में जब पावर ट्रांसफर होता है एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को पावर ट्रांसफर करती है इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ये मैग्ना कार्टा कब हुआ था 1215 में बाय किंग जॉन अब भारत में जब भी इस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पावर ट्रांसफर होगा या कोई नए सिस्टम का निर्माण होगा तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाएगा जैसे 1719 में मुगल बादशाह ने मराठों को दक्कन के छह सूबों में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया तो इसे एक ब्रिटिश इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने लिखा मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा उस डिस्पैच को ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा मैगनाकार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसी प्रकार से 1717 में मुगल बादशाह फरूख सियर ने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा में फ्री ट्रेड का फरमान दिया तो वो फ्री ट्रेड का लाइसेंस जिसको दस्तक कहा जाता है उसको कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये जो नोमिन है वह इतिहासकारों के यूरोपीय पृष्ठभूमि के कारण होता है तो इसलिए इस प्रकार का नामकरण किया गया था अब यूरोप में पुनर्जागरण पहले क्यों आए और हमारे यहां पुनर्जागरण देर से क्यों आया इसके पीछे वजह थी कि यूरोप ने समय के साथ नई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लेकिन हम नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए जिस दौर में यूरोप में कैपलर कोपरनिकस गैलीलियो न्यूटन हार्वे इन्वेंशंस कर रहे थे डिस्कवरीज कर रहे थे उस दौर में हम भारत में ऐसे साइंटिस्टों को पैदा नहीं कर पाए या हमने उनको संरक्षण नहीं दिया उस समय हमारे देश में कला और संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पे था और हमने पैट्रोनाइज किया द मुगल एम्पायर पेट्रोनाइज द आर्ट एंड कल्चर हमारे देश में बन रहे थे दीवाने आम दीवाने खास और उस दीवाने खास की दीवारों पर लिखवाए गए थे गर्फिरदौस बर रोई जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो तो अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है तो कल्चर के क्षेत्र में तो हम बहुत आगे चले गए आर्किटेक्चर में लिटरेचर में पेंटिंग्स में बट वी एवाइडेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पश्चिम से कहां से पहुंचे इट वॉज ए कल्चरल फेलियर इट वॉज ए कल्चरल फेलियर ऑफ इंडियन सोसाइटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमारा सांस्कृतिक असफलता थी जिसमें हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नजरअंदाज किया इसीलिए वेस्ट में आप देखेंगे कि यह जो पुनर्जागरण है वो फिफ्टींथ सेंचुरी में आ चुका और हमारे यहां यह पुनर्जागरण आया नाइनटीन सेंचुरी तो 400 सौ वर्ष हम बिचर गए इसके पीछे सबसे बड़ी यह वजह है कि यूरोप जिस समय नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहा था उस समय हम परंपरावादी बने रहे और नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए यह एक बड़ा कारण था ठीक उनका जो पुनर्जागरण था वो डायमेंशनल था कला के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में दर्शन के क्षेत्र में साहित्य हर क्षेत्र में वो विकसित हमारा जो पुनर्जागरण था वो स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी रिलीजन वह समाज और धर्म तक सीमित होकर रह गया सामाजिक व्यवस्था में, में तब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक भारत में उसकी धार्मिक अवस्था में परिवर्तन ना हो जाए क्योंकि तो भारत का समाज अनिवार्य रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है यही कारण है कि भारतीय जो समाज था उसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले और जहां तक आर्यभट्ट का प्रश्न है वारा मिर का प्रश्न है तो यह बहुत पुरानी बात हो गई ये प्राचीन काल की बात और प्राचीन काल से आधुनिक काल के बीच मात्र एक हजार वर्ष का अंतराल है और एक हजार वर्ष में गंगा में कितनी पानी बहेंगे इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता एक हजार वर्ष के अंदर यूरोप का कायाकल्प हो गया और हम मध्यकालीन मानसिकता में बने रहे तो यह मैंने आपने एग्जाम्पल देखा आगे देखो अब इसमें एक बात हम ध्यान दें कि भारत में जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए ये चार धर्मों के अंतर्गत हुए सामाजिक धार्मिक सुधार हिंदू धर्म इस्लाम धर्म पारसी और सिख धर्म यह आंदोलन भारत के चार धर्मों के अंतर्गत चला था ईसाई के अंतर्गत नहीं चला क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी बौद्ध और जैनों में इसकी आवश्यकता नहीं थी तो भारत की जो सबसे बड़ी आबादी थी जिसमें हिंदू और इस्लाम इसमें सबसे अधिक आवश्यकता थी परिवर्तन की पारसी एक छोटा समाज था सिख भी एक छोटा समाज था छोटा मतलब संख्या के दृष्टिकोण से इन नंबर्स और सबसे ज्यादा नंबर से हिंदू और मुसलमान इसमें सबसे पहले हम लोग आरंभ करेंगे हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की अब देखो हिंदू जो समाज है वह हमारे देश का सबसे बड़ा समाज है मतलब मुख्य धारा का यह प्रतिनिधित्व कर रहा था और यह हिंदू समाज जो एक समय विश्व के विश्व का सबसे प्रगतिशील समाज था धीरे धीरे विभिन्न आडंबरों के कारण रिचुअल्स के कारण इसमें स्टैगनेशन आता चला गया एक जड़ता शिथिलता आती चली गई इसी जड़ता और शिथिलता को दूर कर और इसमें नव चेतना का संचार करने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ अब यह आंदोलन को हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से चार भागों में बांटेंगे ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया साउथ इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधारा इस क्रम में आप देखेंगे स्टार्ट होता है ईस्टर्न इंडिया से देन वेस्टर्न इंडिया Then Southern India and ultimately Northern. समाज सुधार की प्रक्रिया हुई सबसे पहले Eastern India में, then Western India. उदर्न इंडिया एंड अल्टीमेटली इन नॉर्दर्न इंडिया यह एक क्रम रहा है मोटे तौर पर अब सवाल उठता है कि सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ईस्ट में ही क्यों आरंभ हुआ ईस्ट में ही क्यों स्पेशली इन बंगाल रीजन में क्यों आरंभ हुआ <clears throat> Vastuta, actually, Bengal was the center of British activities, and Calcutta was the capital of British Empire. So, all the administrative setup.

और सबसे पहले नई व्यवस्थाएं भी इसी क्षेत्र में आई तो एक्सप्लाइटेशन ईस्टर्न इंडिया में हुआ और अवेयरनेस भी सबसे पहले इसी क्षेत्र का हुआ तो जहां एक्सप्लाइटेशन होगा और जहां अवेयरनेस होगा वहां पे इसकी प्रतिक्रिया पहले देखी जाएगी न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन विच इज इक्वल इन फोर्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो मात्रा में बराबर और दिशा में विपरीत होती है तो दो बातें हैं एक तो एक्सप्लाइटेशन और दूसरा अवेयरनेस तो जब भी एक्सप्लाइटेशन और अवेयरनेस दोनों होगा वहां रिएक्शन होगा जैसे आप देखो कि यूरोप में 18वीं शताब्दी के मैं बात कर रहा हूं 18वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में एक्सप्लाटेशन हो रहा था शोषण हो रहा था लेकिन अवेयरनेस सब जगह नहीं थे अवेयरनेस कहां था फ्रांस में था क्योंकि फ्रांस में फिलॉसफरों की एक बड़ी संख्या थी रूसो वाल्टेयर मोंटेस्क्यू, डिद्रो फिलिप फ्रांसिस एक्सेट्रा तो जहां अवेयरनेस भी होगा एक्सप्लाइटेशन से ही रिवोल्ट रिवॉल्यूशन या कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि अवेयरनेस ना हो इसीलिए फ्रांस की क्रांति यूरोप में जो क्रांति हुई वो सबसे पहले फ्रांस में हुई तो आप यहां देखो यहां पे सबसे पहले होगा क्योंकि यहां अवेयरनेस भी था एक्सप्लाइटेशन भी था सो स्टार्ट विथ द ईस्टर्न इंडिया तो हम लोग सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया से शुरू करेंगे ईस्टर्न इंडिया अब ईस्टर्न इंडिया में आप देखो कि हम आरंभ करते हैं ब्रह्म समाज से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय अब आप देखो कि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1828। में पहला संगठन हमने उठाया ब्रह्म समाज और इसके प्रवर्तक कौन थे प्रपाउंडर राजा राम मोहन राय अब ये जो राजा राम मोहन राय है जिन्होंने आरंभ में आत्मीय सभा की स्थापना की थी कैलकाटा 1814 में और बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की लेटर ऑन नोन एज ब्रह्म समाज कलकत्ता 1828 अब आपसे मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि ये राजा राम मोहन राय कौन थे वस्तुतः राजा राम मोहन राय बंगाल के एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे एसोसिएटेड ब्राह्मण फैमिली। और जैसा कि एक सामान्य उस समय बंगाल की ब्राह्मण परिवार का क्या की विचारधारा थी वो बहुत ही परंपरागत थी ऑर्थोडॉक्स थी इसीलिए राम मोहन राय को हमेशा ही अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहता था और इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण इनको अपना घर छोड़ना पड़ा इन्होंने कुछ समय पटना में और कुछ समय वाराणसी में गुजारा पटना प्रवास के दौरान उन्होंने पर्सियन लैंग्वेज और लिटरेचर का अध्ययन किया जबकि वाराणसी प्रवास के दौरान इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर का और कलकत्ता में रहने के दौरान वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न लिटरेचर से वो अवगत हुए धीरे धीरे वे लगभग एक दर्जन भाषाओं के जानकार हो गए जिसमें प्रमुख है आप कह सकते हैं कि पर्सियन संस्कृत इंग्लिश फ्रेंच लैटिन हिब्रू अरबिक एक्सेट्रा ये तमाम भाषाओं के जानकार थे भारत के जो अन्य विद्वान थे वे अगर हिंदू धर्म से संबंधित है तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान अगर कोई इस्लाम धर्म से संबंधित है तो उसे अरबिक पर्सियन भाषी की भाषा की जानकारी होगी जो ईसाई धर्म से संबंधित थे उनको हिब्रू इंग्लिश या फ्रेंच की जानकारी होगी राजा राम मोहन राय उस दौर के अकेले बड़े विद्वान थे जिनको इन सारी भाषाओं का ज्ञान था और इन सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से ये शास्त्रार्थ कर सकते ही इमर्ज एज ए इंटेलेक्चुअल ऑफ बंगाल इन द बिगनिंग ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ये दो प्रमुख संगठन बनाए अब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए यह जरूरी था कि कुछ पत्र पत्रिकाओं का वो प्रकाशन करते क्योंकि बिना पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के आप शिक्षित मध्यम वर्ग में जागरूकता नहीं ला सकते इसलिए उन्होंने समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण है संवाद कौम संवाद कौम पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज इन 1821 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया यह राजा राम मोहन राय की सबसे लोकप्रिय पत्रिका थी दूसरी पत्रिका 1822 में प्रकाशित हुई फारसी भाषा में इसका नाम है मिरात उल अखबार मिरात उल अखबार इस प्रकार से पत्रकारिता के द्वारा लोगों में अवेयरनेस लाने का उनके द्वारा किया गया यह पहला प्रयास था दैट्स वाई ही इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इसलिए उनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है संवाद कौमदी और मिरात उल अखबार इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें देखिए तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको आप नोट डाउन करो एक है तुहाफत अल मुआहिदीन तुहाफत अल मुआहिदीन पर्सियन लैंग्वेज पब्लिश्ड इन 1803 इन दिस बुक ही क्रिटिसाइज द कस्टम्स द ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द हिंदू सोसाइटी उसने हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों पर पढ़ा दिया गिफ्ट टू मोनोथेस्ट गिफ्ट टू मोनोथेस्ट पब्लिस्ड इन 1809 इन इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस बुक ही फोकस्ड ऑन द मोनोथोइज्म मोनोथोइज्म एकस्वरवाद पर बल दिया प्रिसेप्ट ऑफ जेसस Of Jesus, 1823 अंग्रेजी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में शांति और खुशी का संदेश दिया इस किताब के द्वारा उन्होंने बाइबिल की जो मिथक कथाएं थी उसको अलग किया और 20 अगस्त के बाद क्या था इनको अलग किया और जो उनके उपदेश के सकारात्मक पहलू थे उनको सामने